हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक गुड मेथड में जो कि वेज पेमेंट से रिलेटेड होगा। तो वेज पेमेंट के लिए जो मेथड्स का इस्तेमाल होता है, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे कि वो एक आइडियल मेथड, वो एक अच्छा गुड मेथड वो बन पाता है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, इसके ढेर सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स आपको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको नोट जो है 40% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, उसके बाद ये जो ज्वाइन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। ये जो इग्नो बीकॉम है यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल के ऊपर ये जो ज्वाइन का बटन है इसको क्लिक करके आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको हमारे इस वाले लिंक पे जाना है, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके आप हमारे जो एक्सक्लूसिव जो मेंबर्स का जो एक ग्रुप है बीकॉम का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारी बेनिफिट्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लेक्चर के ऊपर लौट चलते हैं जो कि है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। सो वन ऑफ द बेसिक इंसेंटिव टू जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लेबर एफिशिएंसी इज एडिक्वेट वेजेस, है ना। तो जो सबसे बड़ा इंसेंटिव या तो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी वर्कर के लिए, वो यही होता है कि उसको प्रॉपर सैलरी मिल पाए, जितना का वो काम कर रहा है उसको उतनी की सैलरी जो है उसको मिल पाए, है ना। सो ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा इंसेंटिव होता है। Unless people get proper remuneration for their services, they are not encouraged to participate actively in discharging their duties or in completing the assignments actively, effectively. तो कोई भी व्यक्ति अगर आप उसको सही तरीके से सैलरी नहीं दोगे, सही सैलरी नहीं दोगे, टाइम पे सैलरी नहीं दोगे, तो वो अपना काम जो है ठीक तरीके से नहीं करेगा, वो अपने ड्यूटीज को ठीक तरीके से डिस्चार्ज नहीं करेगा, वो अपने असाइनमेंट जो भी उसको एक तरीके से दिए जाएंगे काम करने के लिए, वो उसको इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको प्रॉपर रेमुनरेशन नहीं दे रहे हो उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग। जैसा वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको सैलरी देनी पड़ती है, उनको वेज देना पड़ता है। ठीक है, सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ रेमुनरेशन, रेमुनरेटिंग लेबर, लेबर्स को पैसे देने के, उनके सैलरी देने के बहुत सारे तरीके हैं। ईच मेथड हैज इट्स ओन डिमेरिट्स एंड मेरिट्स, हर एक मेथड का अपना फायदा, अपना एक नुकसान है। लेकिन हम अभी बात करने वाले हैं कि एक अच्छा मेथड जो है, एक अच्छा वेज पेमेंट मेथड जो है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स जो है होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है गारंटी मिनिमम, गारंटी या मिनिमम वेज फॉर द टाइम डिवोटेड बाय द वर्कर। तो आपको एक मिनिमम वेज जो है अपने वर्कर को देना चाहिए, जितना टाइम वो दे रहा है। सपोज वो 8 घंटा दे रहा है तो 8 घंटे के हिसाब से जो है आपको जितनी सैलरी उसकी बनती है उसको आपको देना चाहिए। प्लस अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको उनको इंसेंटिव जो है वो भी प्रोवाइड कराने चाहिए होते हैं। दो नंबर पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट, है ना। तो जो हमारा वेज सिस्टम होता है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, मेथड कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही आसान से समझ में आ जाए और जिसको ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल हो, जिसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान हो, ऐसा मेथड हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा नंबर है बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉय। तो आपको एक ऐसा मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, वेज पेमेंट मेथड का, जिसमें जो जो बैलेंस है बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉय दोनों बरकरार रहे, दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके ही आप जो है वेज अपना उनका जो है कैलकुलेट करें और दोनों ही एक तरह से खुश रहें, है ना। तो बैलेंस प्रोवाइड करना बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी वेज पेमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पॉइंट है अलाउ प्रॉपर सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। तो एक अच्छा जो वेज पेमेंट होगा, सिस्टम होगा, मेथड होगा, वो एक तरीके से सुपरवाइज करेगा चीजों को, एक सुपरविजन रखेगा और कंट्रोल रखेगा क्वालिटी ऑफ आउटपुट के ऊपर कि जो भी चीजें बनाई जा रही हैं वो उसका आउटपुट कितना अच्छा है। अगर उसका आउटपुट गंदा होगा तो हो सकता है कि आपको सैलरी जो है वो भी काट लिया जाए। तो वेज पेमेंट मेथड जो है ये डिपेंड करता है कि आपका एक अच्छा वेज पेमेंट मेथड जो है वो ये चीजें चेक करता है, सुपरवाइज करता है, साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है उसको भी वो चेक करता है, ठीक है। जो अगला जो हमारा पॉइंट है मेथड्स ऑफ अ गुड पेमेंट, जो आपका जो एक अच्छा मेथड जो है पेमेंट मेथड का, उसका क्या हो जाएगा वेज पेमेंट मेथड का, वो ये होगा कि मेंटेन अ रीजनेबल डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशिएंट वर्कर्स एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ देयर वेज, है ना। तो आपको एक रीजनेबल डिफरेंस बना करके रखना पड़ेगा कि ठीक है तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, तुम हमारे यहाँ पे बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हो, तो तुम और तुम्हारे तरह के जो लोग हैं, जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, उनको हम अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा वेज देंगे, लेकिन जो इनएफिशिएंट वर्कर्स होंगे उनको हम अच्छी वेज नहीं देंगे क्योंकि वो लोग काम जो है ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। तो जब आप एक रीजनेबल डिस्टिंक्शन बना करके रखते हैं तो जो जो एम्प्लॉय होते हैं जो ठीक तरीके से काम नहीं कर करते हैं वो भी इनकरेज होते हैं कि वो भी जो है अपना
जो है 100% बिजनेस में दें, अपनी एक्टिविटी में दें, जिससे जो है कंपनी भी ठीक तरीके से ग्रो कर पाए और उनको भी, वो भी ग्रो कर पाए, उनको भी सैलरी जो है सही से सही टाइम पे मिल पाए, है ना। छठा नंबर वेज पेमेंट का, जो एक अच्छा आइडियल वेज पेमेंट होना चाहिए, उसमें छठा नंबर पॉइंट में बोला गया है रिवॉर्ड एफिशिएंसी बाय एडिशनल पेमेंट फॉर टाइम सेव्ड और टारगेट एक्सीडेड, है ना। तो सपोज कोई एक वर्कर है जिसने कम टाइम में जो है आपकी किसी काम को कर दिया, तो आपने उसने आपका टाइम बचाया, राइट। तो उस केस में आपको जो है अब उसको जो है रिवॉर्ड देना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उसके काम करने के तरीके के अकॉर्डिंग आपको जो है एडिशनल उसको पेमेंट करना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि उसने आपका टाइम बचाया। और साथ ही साथ कोई अगर ऐसा है जो कि आपके टारगेट को ओवर अचीव कर लेता है, आपका टारगेट सपोज 10 गेंदे बनाना था एक दिन में, कि 10 बॉल्स आपको बनाने, उसने 15 बना दिए, तो टारगेट से वो ज्यादा अचीव किया ना, तो उसको भी एक तरीके से आपको रिवॉर्ड देना है, ताकि उसको जो है वो कायम जो है ठीक तरीके से वो कर पाए, वो भी एनकरेज हो पाए किसी काम को करने के लिए, राइट। तो छठा नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक है एक अच्छा वेज पेमेंट का, वो मैंने आपको बताया है। सातवां नंबर जो वेज पेमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो ये है कि अवॉइड डिस्पैरिटी ऑफ पे इन सिमिलर नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन। तो कोई एक व्यक्ति, कोई दो व्यक्ति अगर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम यू नो ऑपरेशंस पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में जो उनकी उनका जो पे है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक को जितना मिल रहा है दूसरे को भी उतना ही मिलना चाहिए। सपोज कोई लेडी वर्कर है, सपोज कोई जेंट्स वर्कर है, जस्ट बिकॉज की वो जेंट्स वर्कर है, काम दोनों सेम लेवल पे कर रहे हैं, काम भी दोनों एक ही तरीके का कर रहे हैं, तो आप एक को कम दे रहे हो, एक को ज्यादा दे रहे हो, ये चीज आपको नहीं करनी है ना। तो जो डिस्पैरिटी है उसको अवॉइड करना है बिटवीन द डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट लेवल्स में जो भी काम होते हैं, डिफरेंट नेचर का, सिमिलर नेचर का अगर काम होगा, तो वहां पे जो डिस्पैरिटी क्रिएट होगी वो आपको डिस्पैरिटी क्रिएट नहीं करना, आपको अवॉइड करना है कि सबको जो है इक्वल ट्रीटमेंट वहां पे मिले। ये काम जो है किसका होता है, ये अच्छे वेज पेमेंट सिस्टम का, वेज पेमेंट मेथड का होता है। एट नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक अच्छे वेज पेमेंट मेथड में, वो ये होना चाहिए कि इनकॉर्पोरेट फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ द बिजनेस, है ना। तो आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी लानी होती है अपने काम करने के तरीके में, जब भी कुछ बड़ा बदलाव आपके इन्वायरमेंट में होता है, सर्कमस्टेंसेस में होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने अंदर जो है लानी चाहिए। तो एक अच्छा वेज पेमेंट मेथड वही होगा जो कि अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आएगा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस दैट आर हैपनिंग अराउंड द बिजनेस, है ना। सो दीज आर द 8 यू नो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ गुड वेज पेमेंट मेथड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।